इस समय हम नामीनाथ नगर की तरफ मौजूद हैं, जो कि सूरत में है, और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मेन रोड पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं भी आप देखिए पानी में होते हुए उतर रही हैं, अपने काम पे जा रही हैं, कुछ लोग भी जा रहे हैं। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? हीरानगर सोसाइटी। हीरानगर सोसाइटी, क्या हालात है वहाँ के? बहुत खराब है, पानी बहुत भर गया है, आने जाने में दिक्कत हो रही है हमें। आप काम करती हैं? हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो आपको इसी तरीके से जाना पड़ रहा है? कितने दिन से ऐसी स्थिति है? 3 दिन से जा रही हूँ मैं, कंटिन्यू इसी तरह से जा रही हूँ। पानी कम भी नहीं हो रहा है, निकल भी नहीं रहा है। तो घर में भी पानी गया है क्या? नहीं, घर में नहीं गया है, पर हमारे यहाँ पे नजदीक ऊपर वाला एरिया, तो घर में नहीं गया, पर रोड पे बहुत दिक्कत हो रही है। रोड पे दिक्कत हो रही है, तो कोई निकालने के लिए आया पानी, या कोई प्रशासन की तरफ से आया मदद करने के लिए? वो तो आइडिया नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, शाम को ही आते हैं। यहाँ पे SMC की लाइट भी रात को बंद हो गई, तो इसमें आने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो लोग देखिए इस तरह से उनको पानी में होते हुए गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात अब कमोवेश गुजरात के सूरत में लगातार ऐसी स्थिति बनने को देखने को मिल रही है। गाड़ियां पहिए डूबे हुए हैं, लोगों को मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल जो है उसमें भी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम सांजीगुंज में रहते हैं, गीतानगर। क्या स्थिति है अंदर की? अंदर बहुत पानी, इतने पानी है, उधर 4-4, 5-5 फुट पानी है। घर में भी पानी आ गया है? घर के नीचे वाले सब पानी है, 2-3 फुट पानी है। तो वो घर घर सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिल रही, इधर कोई आया नहीं है पानी वाला, कोई दूध का पानी नहीं है पीने के लिए लोगों के पास, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है अभी, कोई सुविधा नहीं है। सुबह के बाद कहाँ पे इस समय खड़े हैं आप? ये नेमीनाथ के पास में खड़े हैं। नेमीनाथ से निकल गया है अभी, डाल के आज। अच्छा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जो है कुछ इसी तरह से चल रही है, इतने पानी में? नहीं नहीं, हमने कभी नहीं देखा ऐसा। मेरे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मरने का तादाद हूँ, क्या हो जाएगा मेरे को, डर लगता है मेरे को, मेरे बहुत डर लगता है पानी का, तो बहुत ही डर लगता है। कितने दिन से पानी बरसात हो रही लगातार? ये दो दिन से हम यहाँ इधर बैठे हैं, लगातार निकले, दुकान भी नहीं गए, काम पे नहीं जा रहे हैं, रोजगार बंद है पूरा। का रोज का काम प्रभावित हो रहा है? रोज डेली का काम प्रभावित हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, रोज डेली क्या करें। तो लोगों का आने जाने में दिक्कत है, इस वजह से लोगों का रोजगार जो है उसमें भी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन के वीडियो जर्नलिस्ट जो लगातार आपको यहाँ पर की अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह की स्थिति जो है बनी हुई है वो काफ़ी भयावह है, और लगातार पानी का स्तर जो है अलग अलग इलाकों में बढ़ता जा रहा है। सौमेंद्र वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, जो लगातार अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं मेरे साथ में, और तमाम तरह की तस्वीरें इसी तरह की कमोबेश दिखने को मिल रही है। यहाँ पर तो काफ़ी कम पानी है, लेकिन अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको कमर के ऊपर तक पानी नज़र आएगा। न्यूज नेशन की टीम ऑपरेशन शक्ति, जो कि सूरत में चलाया जा रहा है, इस समय हम जुम्बाल के इलाके में मौजूद हैं। सूरत का ये पूरा इलाका दरअसल पानी में जबरदस्त हो चुका है, और तमाम इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के तहत हम एक बोट में हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। हमारे साथ में जब टीम पूरी होगी वो फायर ब्रिगेड की तो होगी, लेकिन इसमें अहम किरदार जो निभा रहे हैं वो दरअसल यहाँ के काउंसलर हैं, जो अलग अलग इलाकों में जा करके ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दे रहे हैं। सर कैमरे की तरफ देखिएगा और बोलिएगा क्या ऑपरेशन शक्ति है। ये हमारे विस्तार में पिछले 4 दिन से पूरा गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश यदि कोई हुई है तो हमारे दक्षिण गुजरात में सूरत शहर में हुई है। उसमें एक साथ में बरसात पड़ने से कुछ हमारा जो तटीय क्षेत्र है, हमारी गुजरात की भौगोलिक स्थिति सूरत की या समुद्र के किनारे है, वो तटीय क्षेत्र में होने के कारण ये बारिश का प्रभाव कुछ जगह खाड़ियों के नज़दीक सिटियों में घुस गया। हम सभी काउंसलर, सभी कार्यकर्ता, फायर ब्रिगेड की टीम और संघ के स्वयंसेवक मिल करके और इस कार्यक्रम में लगे हुए, किसी को दूध पहुंचाना हो, किसी को पानी पहुंचाना हो, किसी को राशन पहुंचाना हो, किसी को बाहर निकालना हो, किसी बीमार आदमी को निकालना हो, ये हमारी फायर ब्रिगेड की बोट लेके हम गली गलियों में ये काम में लगे हुए हैं। अभी आप देखिए ऊपर की तरफ बड़ी संख्या में लोग जो है फंसे हुए हैं, इनको निकालने की कोशिश होगी हमारी, और जो खिड़कियों से झांक रहे हैं, बालकनी से झांक रहे हैं, उम्मीद में है कि कम कोई टीम आकर के उनका रेस्क्यू करे या फिर उनके बच्चों को दूध प्रोवाइड करा सके, क्योंकि यहाँ पर से निकल पाना, आप देखिए शटर के शटर, दुकानें के दुकानें डूब चुकी हैं। अब यहाँ से उतरना एक बहुत बड़ा रिस्क है, यहाँ से उतरे तो बच्चों को देखिए सामने कैसे तैरते हुए एक शख्स जो है वो रोड पार कर रहा है। दरअसल ये रोड है,
और रोड कैसे वो पार कर रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कमोवेश पूरे के पूरे देखिए कैसे रस्सी से वो अपने आप को साइड में कर रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो काफी भयावह तस्वीर है और ऐसे में जीवन को कैसे बचाना है शहर के अंदर। सूरत की ये तस्वीर है, जैसे कि आप ये सोचिए कि शहर का शहर जो है पानी में समा चुका है, ऐसी स्थिति है। गाड़ी भी डूबी हुई है, घर भी डूबे हुए हैं। तो अब हम चल रहे हैं ऑपरेशन शक्ति में और ऑपरेशन शक्ति में हम जानने की कोशिश करेंगे कितने लोग प्रभावित थे, क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ, आगे बहुत ज्यादा पानी है। वो ऊपर देखिए बच्चे ऊपर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, आप लोग सुरक्षित हैं? पानी पानी और दूध उध है आप लोग के पास, सुविधा है? तो यहाँ पर ऊपर लोग जो फंसे हुए हैं उनका कहना है कि अभी उनके पास चीजें हैं लेकिन इन तक पहुंचाएंगे हम लोग, और कोशिश रहेगी हमारी अंदर की तस्वीरें न्यूज़ नेशन के माध्यम से।